हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स हैंड पेंटेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग करी थी एक्रेलिक कलर से, तो उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ के मुझे लगा कि बहुत से लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में कंफ्यूज्ड हैं या फिर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि बाइंडर क्या होता है, बाइंडर के साथ कौन से कलर्स यूज किए जाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग में कौन सी डाइज यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ब्लॉक प्रिंटिंग में एक्रोमाइन डाइज और पिगमेंट डाइज को बाइंडर के साथ मिला के यूज किया जाता है। यही ब्लॉक प्रिंटिंग करने का असल तरीका है। जहां तक बात है एक्रेलिक कलर की, तो वो पिगमेंट डाइज से बहुत अलग है। दोनों ही कलर्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्रेलिक कलर्स अपनी जगह हैं और पिगमेंट डाइज अपनी जगह हैं। यूजुअली इंडियन मार्केट में जो फैब्रिक कलर मिलते हैं उनमें मीडियम ऑलरेडी मिक्स होता है, हमें उनमें पानी के अलावा और कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप एक नया ब्लॉक खरीदें तो सबसे पहले आपको ब्लॉक को पानी में डुबो के रखना है 10-15 मिनट। ब्लॉक को पानी से निकालने के बाद आपको 2-3 ड्रॉप ऑयल अपने हाथ में रब करना है और उस ऑयल को आपको ब्लॉक पे लगा देना है। इसके बाद आपको ब्लॉक को सूखने का टाइम देना है और सूखने के बाद से आप ब्लॉक को प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम मड पॉट्स के साथ भी करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ब्लॉक को यूज करेंगे तभी आपको ब्लॉक को वाटर सोक करना है और ऑयलिंग करना है। इसके बाद से हमेशा ब्लॉक रेडी टू यूज रहेगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, न्यू ब्लॉक्स के साथ एक प्रॉब्लम और आती है। कई बार आप देखेंगे न्यू ब्लॉक्स का सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता है, तो ब्लॉक को स्मूथ करने के लिए हमें क्या करना है, एक मोटी बेडशीट या फिर केसमेंट फैब्रिक पर आपको ब्लॉक के सरफेस को रब करना है। इससे ब्लॉक काफी स्मूथ हो जाएगा और आपको प्रिंटिंग में काफी अच्छा इम्प्रेशन मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बाइंडर के बारे में। बाइंडर दिखने में थिक क्रीमी पेस्ट जैसा होता है। बाइंडर को पिगमेंट कलर के साथ या फिर एक्रोमाइन कलर के साथ यूज किया जाता है। बाइंडर फैब्रिक पर लेयर की तरह चिपक जाता है जिससे कि पिगमेंट कलर बहुत पक्के हो जाते हैं। फैब्रिक बाइंडर बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है और अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बाइंडर लेना चाहते हैं तो आपको किसी बड़ी होलसेल टाइप वाली शॉप से बाइंडर खरीदना चाहिए। बाइंडर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बाइंडर पैक्ड कंटेनर में आता है। जब आप बाइंडर खरीदते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खराब भी निकल सकता है। अगर बाइंडर बहुत पुराना हो तो वो खराब हो जाता है। कई बार बाइंडर में थिक पैचेस हो सकते हैं या फिर बाइंडर जो क्रीम जैसा पेस्ट होता है उसमें ऑयल अलग हो जाता है और उसकी जो थिक क्रीम होती है वो अलग हो जाती है। तो अब बात करते हैं पिगमेंट कलर्स के बारे में। ये जो आप मेरे हाथ में बॉक्स देख रहे हैं ये पिगमेंट कलर्स हैं, ये आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये कलर्स भी काफी तरह की पैकिंग में आते हैं। तो इस बॉक्स में मुझे मिले हैं 6 डिफरेंट कलर और ये देखिए ये इस तरह के ड्रॉपर बॉटल में आते हैं। तो ये 6 कलर के पैक का प्राइस 100 रुपीज है। अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप ये बॉक्स ऑनलाइन जरूर खरीद सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर आप बहुत पक्के कलर चाहते हैं तो आप ये वाले कलर्स यूज कीजिए। ये कलर्स आपको किसी बड़े होलसेल स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। तो ये जो बॉटल मैंने आपको दिखाया है इसमें कोई लेबल नहीं लगा होता, इसका कोई नाम नहीं है, ये आपको किसी बड़े होलसेल स्टेशनरी शॉप में ही मिलेगा। आप ये जो बॉटल देख रहे हैं ये बॉटल मैं कम से कम 3 साल से यूज कर रही हूँ और इसमें जो कलर है वो काफी थिक होता है और बहुत कम कलर में ही काफी सारा कपड़ा ब्लॉक प्रिंट हो जाता है। और जहां तक ये बॉक्स में मिलने वाला कलर है ये कलर बहुत वॉटरी होता है, इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है और ये कलर उतना पक्का नहीं होता है। तो बाइंडर और पिगमेंट के साथ हम यूज करते हैं ये फिक्सर, ये कलर फिक्सर है। इस लिक्विड के 4-5 ड्रॉप्स हमें 1 कप बाइंडर में डालने होते हैं। बाइंडर, पिगमेंट डाई और इस फिक्सर का जब आप पेस्ट बनाते हैं तब आपको मेटल का बर्तन यूज नहीं करना है, आप प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीनी मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ हर चीज की क्वांटिटी। 1 कप बाइंडर में आप पिगमेंट डाई 2-3 ड्रॉप डालेंगे। पिगमेंट डाई कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर चाहिए। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप कम से कम कलर डालेंगे, कलर की डार्कनेस के हिसाब से आप कलर बढ़ाते जाएंगे। सर आपको 4-5 ड्रॉप्स ही डालना है 1 कप बाइंडर में। इसके अलावा जब आप बाइंडर यूज करें तो आपको ग्लव्स जरूर पहनने हैं।
बाइंडर के साथ पिगमेंट मिक्स करके कलर बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, आपके हाथ से भी 3-4 दिन तक कलर नहीं छूटेगा और फैब्रिक से भी कलर नहीं छूटेगा। बाइंडर अगर स्किन से कॉन्टेक्ट में आता है तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। बाइंडर की स्मेल भी बहुत तेज होती है, तो अच्छा होगा आप खुली जगह में पेंटिंग करें। तो मेरे ख्याल से मैंने जितनी जानकारी हो सके आपको बाइंडर और ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में दे दी है। इसके अलावा बाइंडर और ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े जो भी सवाल हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें इट्स हैंड पेंटेड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।